राजेश वॉक 25 मीटर स्ट्रेट, देन ही टुक अ लेफ्ट, देन ही टुक अ राइट। हाँ जी हाँ जी, यहीं पे है। अरे बहुत बड़ा हो गया है, गैस खत्म होने पे पुराना वाला सिलेंडर हटा के नया वाला फटाफट चढ़ा देता है। हाँ एक सेकंड देता हूँ। पापा मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। बात तो कर। कौन है? चंदू अंकल। कौन चंदू? मेरे पुराने दोस्त है, अमेरिका में रहते हैं। हेलो, ऊंचा बोल ऊंचा, अमेरिका कॉल लगाई है। हाँ तो अमेरिका कॉल लगाई है, बगल वाली छत पे खड़े होकर थोड़ी चिल्ला रहा हूँ। चड्डी उड़ गई भैया आपकी, चली जाती है आवाज। हेलो, तेज बोल बेटे। नमस्ते अंकल। नहीं अंकल, चिल्ला नहीं रहा, आप कैसे हो? हाँ मैं भी अच्छा हूं। मौसम कैसा है वहां का? हाँ यहां भी गर्मी है। बच्चे ठीक है? अच्छा नहीं है। कोशिश करते रहिए और क्या। हेलो। हाँ जी, अरे आजकल के बच्चे तो मुंहफट है, कुछ भी बोल देते हैं। जी जी बाद में बात करते हैं। ओके ओके ओके, सोच समझ के बोला कर बेटे। आप किसी से भी बात करा देते हो मेरी, ना जान ना पहचान, मौसम के हाल पूछते रहो। अच्छा अच्छा ठीक है यार, वो अखबार वाले ने इतनी जोर से अखबार फेंका वो छत टाप के पीछे वाले घर में चला गया। सुबह से कोई न्यूज पढ़ी नहीं और टाटा स्काई का बिल भरते भरते तू बूढ़ा हो गया। पापा मैं शाम को टैब्जो से टाटा स्काई का बिल भर दूंगा, तब तक आप टैब्जो से न्यूज फ्लैश पढ़ लो, आपके फोन में डाला हुआ है ना मैंने। वाह भी वाह, ये अच्छा है, ये अच्छा है। अब डिस्टर्ब मत करना, पढ़ाई कर रहा हूँ मैं, प्लीज। I want Italian girls in my party. The party won't be good without them. Why don't you get it? Namalalano, lamadigatano, mahuda. कभी टाइम पे मत आइयो तू। ग्रुप स्टडी के लिए 3 बजे बुलाया था, 4 बज रहे हैं। टाइम से वो पहुंचते हैं जो बहुत वेले होते हैं। मैं बहुत बिजी रहता हूँ आज। तू हाउ आई मेट योर मदर और माय फ्रेंड्स हॉट मॉम देखने के अलावा क्या करता है बे? लड़कियों से फ्लर्ट, पर कोई घास नहीं डालती। शेर कभी घास नहीं खाता, पर कुत्ता अपना गू खा सकता है। और तू वो कुत्ता है जो बड़े फॉक्स से खाता है। चुपचाप पढ़ ले हम। व्हाट इज अ पीरियोडिक टेबल? मेघना ने कहा था उसको कल शुरू हुआ है। केमिस्ट्री का सवाल है। नो, केमिकल एलिमेंट्स बता। जिंक, लेड, क्लोरीन, गुड। सोडियम? ना, सही। ऑक्सीजन? ओ फक। हाइड्रोजन? बैचो केमिस्ट्री के पीछे तू पढ़ाया है, मेरी बहुत वीक है। अच्छा ये सॉल्व कर। राजेश वॉक 25 मीटर्स टू साउथ, देन ही टुक अ लेफ्ट एंड वॉक 35 मीटर्स, देन ही टुक राइट एंड वॉक 40 मीटर्स एंड टुक अ लेफ्ट एंड वॉक 25 मीटर्स। वेयर इज राजेश नाउ? राजेश हैज लॉस्ट और हैज अल्जाइमर। बैचो ऑटो लेना चाहिए उसे, पैदल घूम रहा है। तेरे को मजाक लग रहा है ये? अबे रिलैक्स कर। वन सिंगल पीस ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड आवर फ्यूचर, बट ऑन द रिजल्ट डे आवर पेरेंट्स कैन इजीली ब्रेक आवर ट्यूटर। मुझे तो डर लग रहा है अगर नंबर अच्छे नहीं आए तो। ये क्या, बस 60%? अरे मेरे जमाने में मैं 55 लाता था। पापा सिर्फ 5 लोगों के 80+ है, बाकी सबके 60 के आसपास है। तो बाकी लोग कुएं में कूदेंगे, तू भी कूदेगा? ज्यादा गहरा होता है। चुप। 100 में 40% कम, तो 40 दिन का वाईफाई बंद करो इसका। अपने फोन को आग लगा दे। अब से मार्केट जाना बंद, स्कूटी पे घूमना बंद, 15 मिनट से ज्यादा नहाना बंद, 7 बजे के बाद घर में घुसना बंद, बर्गर पिज्जा बंद, पानी पीना बंद, सांस लेना बंद। नहीं, अच्छे नंबर लाने। चल पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश पढ़ते हैं। इंग्लिश कौन पढ़ता है? इसके लिए जो छुट्टी मिलती है लोग उसमें दूसरे सब्जेक्ट के सिलेबस पूरा करते हैं। अबे ओ, ओवरऑल परसेंटेज भी इसी की वजह से कम होती है, तभी तो सारे बेस्ट ऑफ फोर गिनवाते रहते हैं। और बैचो पता नहीं सीबीएसई वाले क्या फूक के पेपर चेक करते हैं, जो ढंग से इंग्लिश बोल नहीं पाते उनके तक 90 आ जाते हैं। वो हमारा सीनियर नहीं था बंकू? हाँ, वो वीडियो की स्पेलिंग VEDIO लिखता था। मैंने पूछा बैचो आपके इंग्लिश में 90 आ गए, आपको विश्वास हो रहा है? कह रहा आई डिडंट न्यू। मैं समझ गया बैचो स्कैम है। हिस्ट्री पढ़ते हैं। मोहनजोदारो बिलोंग्स टू विच सिविलाइजेशन? हरप्पा। हिस्ट्री तो स्ट्रॉन्ग है तेरी। भाई ने सिखाई है मैच। तेरे को हिस्ट्री पता है? माय ग्रैंडफादर लव्ड फुद्दी, फाइमन गो बैक के नारे लगाते टाइम मेरे ग्रैंडफादर फफ्फे आगे खड़े थे। क्या बात कर रहा है? अंग्रेजों की बीवियां उनकी आवाज पे फिदा हो गई। इसकी तभी तो 5-5 ग्रैंड मदर है। मतलब फाइमन वेंट बैक बट हाइमन स्टेड। अरे भूल बेटा, तेरे फोन में रफी साहब के गाने हैं ना, वो इस ब्लूटूथ से कनेक्ट कर दी बेटा, मैं बैठे बैठे सुन लूंगा, टाइम पास भी हो जाएगा। पापा मेरे फोन ऑफ है, अभी लोग पढ़ने नहीं देते। अच्छा अच्छा खुद बेटा, तेरे पास है क्या? हाँ अंकल। हाँ
और पांडे की शादी हो गई। क्या साले हलवाई की कितनी सुंदर नान जैसी बीवी है। अब वो हलवाई उफ नान को भटूरा बनाने में देर नहीं लगाएगा। मैं फुफु करके आया। चल चल पढ़ लेते हो। Explain the growth of nationalism in Europe in 1830s. Well, Europe is a continent. Nobody. Does it better? क्या सुन रहे हो पापा? पता नहीं कोई लड़का लड़की आपस में बात कर रहे हैं। कोई नया गाना लगता है। ओहो, लड़की ने प्लम्बर को बुलाया है। लगता है नल का खराब हो गया है बेचारी का। समीर को फोन लगा, उसका ब्लूटूथ कनेक्टेड है। फोन ऑफ हो गया। बहनचो तू अपना ऑन कर। खांस रही है बेचारी, लगता है उसका गला दबा रहा है। अरे कैसा गाना है? गला दबा रहा है। अरे रुक जा रे बंदे, अरे थम जा रे बंदे, के गांडे फट पड़ेंगे। ओहो, अब शुरू होगा गाना। उस लड़की ने कहा लेट्स ट्राई अनिल। अनिल कपूर का गाना होगा। समीर, हे भगवान, अगर पापा उनको अनिल करते हुए सुन लेते तो मेरा उसी वक्त दिनादिन धा हो जाता। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हो सके तो एग्जामिनेशन सेंटर की बिल्डिंग रातों रात गिरवा दो, क्वेश्चन पेपर लीक करवा दो, इनविजिलेटर को दस्त लगवा दो, नहीं तो एग्जाम ही पोस्टपोन करवा दो। पर क्या फायदा, सिलेबस फिर भी पूरा नहीं होना।